कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों नहीं जाओगी? इबाद ने जिस तरह से मेरी बेइज्जती की, अब तो मैं मर के भी ना जाऊं वहां पे। तुम्हारी जिद मुझसे अहम नहीं है। क्या मतलब? नवीद जो बकवास करके गया है, लगता है तुमने सुनी नहीं। ज़हीर आप बस, मैं अच्छी तरह जानता हूं नवीद किस कमाश का इंसान है, और मुझे यह भी अंदाजा है कि तुम्हारी बहन आजादी हासिल करने के लिए दुकान के कागजात पर दस्तखत कर देगी। और जानती हो फिर क्या होगा? दो दीवारें उठेंगी, एक दुकान में और एक इस घर में, और बात यहीं खत्म नहीं होगी। वो अपने इससे बेच भी देगा। ज़हीर, जब आप अपने भाई को नहीं समझा पाए तो मैं सिदरा को क्या खाक समझा पाऊंगी? जिस तबीयत का मालिक नवीद है ना, सिदरा भी उससे कम नहीं है, वो नहीं मानेगी। अपनी मां को समझाओ। उसे कहो कि बेटी का घर बचा ले, खराब हो जाएगा। अब सिदरा के साथ ही बात है, सिदरा पीछे नहीं हटने वाली। तो फिर तुम भी वहां जाके बैठ जाओ, जाओ। ये हथियार आप कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। आप भी एक बात याद रखिएगा, इबाद मेरा भाई है। बहन भाइयों में बहुत झगड़े हो जाते हैं, अगर मैं वहां चली गई तो वो मुझे रख लेगा। फिर क्या होगा? आपके हाथ से वो दुकान जाएगी। ज़हीर, आप मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे? कभी कभी छुप जाने में इंसान का फायदा होता है। अगर आप नवीद और अपने मामले को अलग कर दें तो इसमें हर्ज ही क्या है? किसी का कुछ नहीं जाना, हमारा घर बर्बाद होगा। अपनी बच्ची का ही ख्याल कर लें।